कौन का सिम? वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए वापस जाना ही पड़ेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी जी आप पत्रकार हैं, जरा इंक्वायरी करें। जी ठीक ठीक धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5/24। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड की किल्लत और फेफड़ों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का अकाल था ही था, अब सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के इंजेक्शन का भी अकाल पड़ गया है। कोविड-19 का इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों से गायब है, वहाँ पे मरीज जा रहे हैं और इंजेक्शन लगाए बिना वापस आ रहे हैं। जिन मरीजों ने कोविड-19 का पहला डोज लगवा लिया है और दूसरी डोज लगवाने के लिए वो अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी डोज लगवाने के लिए 2-3 दिन चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनको टीकाकरण नहीं लग पा रहा है। आज हमने अयोध्या जिले के गोसाईगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाने के लिए आते थे और वहाँ पे इंजेक्शन लगाने का कार्य पूरी तरह से बंद था। जानकारी करने पे पता चला कि कोविड-19 का इंजेक्शन ख़त्म हो गया है, जब वहाँ से आएगा तो कोविड-19 का इंजेक्शन लग सकेगा। जब हमने जानकारी किया कि यह इंजेक्शन कब तक आएगा, तो वहाँ पे बताया गया कि इंजेक्शन ख़त्म हो गया है, इसकी जानकारी हमको शाम को होती है, जब इंजेक्शन आ जाता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? हाँ, पंकज सिंह। अच्छा, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं CSC में? वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए। लगवाने के लिए, लेकिन यहाँ तो वैक्सीन आज मतलब है ही नहीं, बंद है यहाँ पे वैक्सीनेशन, तब क्या करेंगे आप, वापस जाएंगे? वापस जाना ही पड़ेगा। तो जैसे वैक्सीन यहाँ पे जो है ख़त्म हो गई, तो इसके विषय में आपका मतलब क्या राय है कि वैक्सीन यहाँ मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए कि होना नहीं चाहिए था? जी जी आप पत्रकार हैं, जरा इंक्वायरी करें। जी ठीक ठीक धन्यवाद। कैसे कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी? ठीक सर। वीडियो बना लेते हैं।